बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको दे चंदौली से युवती की मौत मामले में पुलिस पर एफआईआर दर्ज की गई। एसएचओ उदय प्रताप सिंह और संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि चार महिला पुलिस और अन्य पुलिस बल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 323, 452 और 304 के तहत मुकदमा किया गया है दर्ज और एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्यवाही हुई है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एसएचओ उदय प्रताप सिंह और संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही चार महिला पुलिस और अन्य पुलिस बल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 323, 452 और 304 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की बेटी की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसी मामले पर कार्यवाही की गई है। चंदौली से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा अपडेट क्या है वो भी समझ लीजिए। एसएचओ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन चंदौली में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए अब देखिए, पुलिस गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव के घर पर दबिश देने के लिए गई थी। ये पूरा मामला क्या है शुरू से बिल्कुल आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पुलिस गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव के घर पर दबिश देने के लिए पहुंची थी। पुलिस की दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हो जाती है। एक युवती की संदिग्ध मौत होती है जबकि दूसरी घायल बताई जाती है। सपा नेता के ट्वीट के बाद मामले ने तूल पकड़ा, इस पर सियासत शुरू हो गई। पुलिस पर युवती की पिटाई से मौत का आरोप लगा है। ये गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं, गांव वाले लगा रहे हैं और यहीं से ये पूरा मामला बढ़ता है। मामला बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन भी ले लिया। सैयद राजा के एसएचओ उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद मौत के बाद पुलिस वालों पर मुकदमा अब दर्ज हो चुका है और एसएचओ उदय प्रताप सिंह, संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि चार महिला पुलिस और अन्य पुलिस बल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जो उस वक्त दबिश के दौरान एसएचओ के साथ थे। कौन सी धारा लगाई गई है ये भी देख लीजिए। आईपीसी की धारा 323 से 452 और 304 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और गांव वालों का कहना है, परिजनों का ये कहना है कि जब पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए पहुंची थी तो सबसे पहले इन दोनों युवतियों के साथ मारपीट की गई और उस मारपीट में युवती की मौत हो जाती है और एक युवती जो कि गंभीर रूप से घायल है उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। और लगातार इस मामले में अपडेट आ रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको दें, पुलिस दबिश के बाद मृत युवती का अंतिम संस्कार हो चुका है। दरअसल वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर का आरोपी कन्हैया यादव अंतिम संस्कार के दौरान दिखाई दे रहा है। कन्हैया यादव को ही तलाश करने पुलिस गई थी, दबिश देने जिसके लिए गई थी वो अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर दिखाई दे रहा है। पुलिस के दबिश के बाद युवती की मौत हो जाती है और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार युवती का हो चुका है। हालांकि एक तरफ इस मामले में एसएचओ को निलंबित किया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दूसरी तरफ ताजा अपडेट यह है कि युवती का अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस की दबिश के बाद मौत हुई थी और अब जानकारी यह है कि अंतिम संस्कार के दौरान कन्हैया यादव भी दिखाई दे रहा था। वहीं जिस गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव को पकड़ने पुलिस गई थी उसने इस पूरे मामले पर क्या कहा, पुलिस वालों पर क्या आरोप उसने लगाए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। घटना चंदौली जिले के सैयद राजा से है और आपको बताएं कि पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। पहले पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जाने जी? कन्हैया यादव। कन्हैया जी, क्या हुआ था, हम घटना के बारे में। सर, हमारी दोनों लड़की घर पे थी, सैयद राजा पुलिस गई, लड़कियों को प्रताड़ित करके मारने लगी। उसमें बड़ी लड़की डेट कर गई, छोटी लड़की चुटिल। इनके पास NBW था, पुलिस के पास NBW था या क्या मामला था, क्यों गई थी पुलिस? NBW नहीं था, ये बस प्रताड़ित करने के लिए गई थी पुलिस। इनके पास NBW कोई नहीं था। मारपीट के घर में, घर में वो दो लड़कियां थी, एक को मार दिए वहीं पर, स्पॉट पर ख़त्म हो गई। एक छोटा ही पड़ी पर, दो ही थी, दो ही लड़कियां थी। एक लड़का जो है वो पकड़ कर रात भर रख के प्रताड़ित किए, उसको भेज दिए 151 में चलान। वो जमानत करके घर लौटे तो पता लगा कि पुलिस लड़की को मार कर उसकी आत्महत्या कर दी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना के बाद परिवार की क्या मांग है?
परिवार की मांग यही हम लोग की है कि हम लोग के साथ हमारे बेटी के साथ इंसाफ मिले, बेटी को इंसाफ हम लोग चाह रहे हैं। जो प्रशासन हमारे साथ किया है वो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। घर के आसपास कोई उस दौरान मौजूद था? घर के आसपास तो वहाँ मजदूर तो कोई था नहीं। और आप देखिए, ये परिवार और गांव के लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस घटना के बाद अब आप लोगों की मांग क्या? लेकिन घटना में समस्या ये है कि ये लड़की जो मरी है इसको न्याय मिले। हम लोगों की मांग यही है कि इसको न्याय मिले, वापस पाएगी नहीं, इसको न्याय मिल जाए, हमारी यही मांग है। तो मृतका का अंतिम संस्कार हो चुका है, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है और परिवार मृतका के लिए न्याय की मांग कर रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो गैंगस्टर एक्ट में जिस आरोपी के लिए दबिश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी उसका पूरा बयान आपने सुना। वहीं चंदौली में युवती की मौत के बाद कन्हैया यादव के घर पर पुलिस बल की तैनाती है। डॉक्टर की भी एक टीम कन्हैया यादव के घर पर मौजूद है क्योंकि कन्हैया की दूसरी बेटी घायल बताई जा रही है। देखते हैं घर के बाहर से संवाददाता शशांक की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं सैदराजा थाने के मदाजपुर गांव के कन्हैया यादव के घर के पास। आप देख सकते हैं ये जो है पूरा परिवार शोकाकुल, पुलिस भी है, तमाम स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, चूँकि एक महिला की मौत के बाद जो उसकी छोटी बहन थी वो घायल भी है, तो स्वास्थ्य कर्मी भी उस लिहाज से कि उसकी तबीयत कैसी है, कहीं ज़्यादा न बिगड़े, तमाम जो पुलिस वाले हैं, कई थाने की फोर्स यहाँ मौजूद है। स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस बल स्वास्थ्य कर्मी यहाँ मौजूद है। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। तो शशांक की ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे और वहां पर क्या इस वक्त चल रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट भी दे रहे हैं क्योंकि कन्हैया यादव और उसके परिवार वालों पर मुकदमा भी दर्ज है। कन्हैया के बेटे विजय के खिलाफ गुंडा एक्ट सहित 3 मुकदमे दर्ज है। ये देखिए बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, कन्हैया के दूसरे बेटे दीप नारायण यादव के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज है। बेटी गुड़िया उर्फ निशा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, जिसकी कल मौत हो गई है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। कन्हैया की दूसरी बेटी गुंजा यादव के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो देखिए पूरे परिवार पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। ये कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं, सभी के नाम पर क्या क्या केस दर्ज है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं कि कन्हैया यादव और उसके परिवार वालों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, ये ताजा अपडेट अब निकलकर सामने आ रहा है। कन्हैया के बेटे विजय के खिलाफ गुंडा एक्ट सहित 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जबकि कन्हैया का जो दूसरा बेटा है जिसका नाम दीप नारायण यादव है उसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं और बेटी गुड़िया उर्फ निशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है जिसकी कल मौत हो गई है, जबकि जो दूसरी बेटी है उस पर भी मुकदमा दर्ज है। तो अब एक एक करके ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त वहां पर ताजा स्थिति क्या है ये बताने के लिए शशांक पांडे चंदौली से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शशांक, क्योंकि आप घर के बाहर ही खड़े हैं, क्या वहां की सिचुएशन है, किस तरीके के हालात हैं, अपडेट दीजिएगा। जी हम आपको दिखा दें, इस वक्त हम कन्हैया यादव के घर के ठीक सामने हैं। यहाँ एक डॉक्टर की टीम है, जो छोटी बहन है कल से घायल हुई थी उनको डॉक्टर ने देखा, उनका हाल चाल जाना और अभी स्थिति सामान्य है उनकी, लेकिन उनको कमजोरी है चूँकि कल शाम से ही कुछ खाना पीना उन्होंने नहीं खाया है, तो स्थिति सामान्य है। डॉक्टर ने ड्रिप लगाने की बात सोची है और ड्रिप लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। ये दूसरे तल्ले पे ये पूरा परिवार रहता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की जो ये टीम है वो उनका पूरा ये ध्यान है कि जो लड़की घायल है वो ठीक हो जाए, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, चूँकि वो अस्पताल जाने से मना कर रही हैं। डॉक्टर ने एक बार प्रयास भी किया कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, हम आपकी दवा वहाँ अच्छे तरीके से करेंगे, तो उनका कहना था कि नहीं हम यहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की एक टीम ड्रिप लगाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। स्थिति अभी उनकी स्थिति सामान्य है जी, क्योंकि अंतिम संस्कार भी मृतका का हो चुका है शशांक। तो इस वक्त घर पर और कौन कौन मौजूद है, क्योंकि एक अहम जानकारी ये भी निकल कर आई है कि कन्हैया यादव अंतिम संस्कार में देखिए दिखाई भी दिया, उससे एक्सक्लूसिव हमने बातचीत भी की है, लेकिन पूरे परिवार पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है, ये क्या वाकया है पूरा? जी ये पुलिस ने इनका आपराधिक इतिहास निकाला है, पूरे
जो कन्हैया यादव के बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, स्वयं कन्हैया यादव पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चूंकि SHO के खिलाफ पीड़ित परिवार के तहरीर पर SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, एक कांस्टेबल के खिलाफ, 4 महिला पुलिसकर्मी और अन्य पुलिस दलों के खिलाफ मुकदमा सैयद राजा कोतवाली में देर रात दर्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो थानाध्यक्ष थे, जिस थाने का थानाध्यक्ष सैयद राजा का 4 बजे तक था, वो देर रात निलंबित भी होता है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। तो ये भारत का कानून है कि अगर आप दोषी होंगे तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने भी कन्हैया यादव के आपराधिक इतिहास को निकाला है, खंगाला है, तो पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बेटे के खिलाफ, बेटी के खिलाफ, स्वयं कन्हैया यादव के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है धीरे धीरे अब दूसरी तरफ मोड़ ले लिया है। कल रात से जो मामला था कि पुलिस बल आई और हॉट टॉक हुआ, उसके बाद परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने मार दिया और मेरी बेटी की जान चली गई, तो खैर जान उनकी गई और पुलिस के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब जो है पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए SHO को निलंबित करने के बाद उनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कन्हैया यादव उनके परिजनों का आपराधिक इतिहास भी निकाला है। जी शशांक, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो घर पे ही मौजूद है, उससे आपकी बात भी हुई होगी, क्या वो जानकारी दे रही है घटना को लेकर? क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पर, गंभीर आरोप हैं कि पहले हत्या की जाती है और उसके बाद उसको पंखे से लटकाया जाता है, आत्महत्या की गई है, इस तरीके की रंग देने की कोशिश हो रही है, क्या कहना है कन्हैया यादव की छोटी बेटी का? अभी हम बात करना चाहे उनसे, कल रात को वो बात कर रही थी, अभी स्थिति उनकी थोड़ी ठीक नहीं है, बात नहीं कर पा रही है, कमजोरी महसूस कर रही है, तो अभी तो फिलहाल बात नहीं की, लेकिन कल रात को उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले आए, हम दोनों बहनों को मारे और मार दिए, हमारी बहन की मौत हो गई। आज अभी उनकी स्थिति बात नहीं कर रही है, अभी वो बात नहीं कर रही है, अभी हम इंतजार करेंगे कि ज़्यादा स्वस्थ हो जाए, फिर उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, कैसे हुआ, पुलिस कब आई, क्या आपको कैसे मारा, आपकी बहन को कैसे मारा, ये तमाम पहलू हैं, बातें हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति अभी ठीक है, डॉक्टर की टीम मौके पर मौजूद है, जो है यहाँ के CSC के प्रभारी स्वयं निगरानी रखे हुए हैं। जी, और शशांक, क्या वहां पर दबिश देने से पहले नोटिस दिया गया था पुलिस की तरफ से कन्हैया यादव को कि वो थाने पहुंचे, सरेंडर करें, इसके लिए उससे कहा गया था या अचानक से वहां पर टीम पहुंच गई? नहीं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार Part 2 में अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चली है कि जो भी अपराधी है, चाहे वो गैंगस्टर का अपराधी हो, जिला बदर हो, या तमाम जो बड़े अपराध वाले अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आए दिन पुलिस उनके घर पे जाती है, दबिश देती है, उसी क्रम में कल दबिश दिया गया था, शाम को SHO आए थे, BMW जो है, माफ करिएगा, उनके खिलाफ कोर्ट से आदेश था उनको गिरफ्तार किया जाए और SHO उनकी टीम, ठीक है, यानी कि शशांक जो अभियान सरकार का है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई थी जिसमें युवती की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया शशांक आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हो चुकी है, केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है डोली, और उखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए डोली रवाना की गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्साह आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2 साल के बाद सामान्य परिस्थितियां बनी है तो उत्साह भी जबरदस्त है। 6 मई को बाबा के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ये डोली रवाना कर दी गई है। ये डोली अलग अलग पड़ावों से होती हुई बाबा के धाम पहुंचेगी, ये परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा जिसका निर्वहन आज भी उत्तराखंड की संस्कृति में किया जाता है। और देखिए किस तरीके से उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ डोली रवाना की गई, और आपको बताएं कि 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकार से मंदिर से अपने हिमालय गमन के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगा हुआ है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास से निकल चुकी है। श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर काफ़ी लगा हुआ है। कह सकते हैं कि ओंकार से मंदिर से
श्रद्धालु डोली को छोड़ने के लिए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। आज विश्वनाथ मंदिर में डोली का रात्रि प्रवास होगा, उसके बाद कल डोली फाटा पहुंचेगी और परसों डोली गौरकुंड पहुंचेगी और 5 मई को बाबा केदारनाथ की जो डोली है वह अपने ग्रीष्मकाल प्रवास के लिए केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और 6 मई को प्रातः 6:25 पे बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, ओखी मत। और चलिए इस बीच आपको फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर दे दें। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, जबकि 2 और बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है और चारों आरोपी लूट के इरादे से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब इन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ, जिसमें 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लूट के इरादे से ये सभी बाइक पर जा रहे थे और उसी वक्त पुलिस के पास जानकारी मिली और पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। तो देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लगातार बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई, जिस पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। संसदीय कार्य एवं औद्योगिक मंत्री जसवंत सैनी ने कल बागपत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न केवल विकास कार्यों की समीक्षा की बल्कि व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर भी वो नाराज दिखाई दिए। बाद में रात के समय उन्होंने एक लाभार्थी के घर पर जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। जसवंत सैनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बागपत के दौरे पर थे और देखिए एक परिवार के साथ उन्होंने भोजन किया जमीन पर बैठकर। कितने सहज अंदाज में वो भोजन करते हुए दिखाई दिए। ये हालांकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि आप क्षेत्र में पहुंचें और वहां पर जाकर जमीन पर किस तरीके से काम हो रहा है, अस्पतालों के हाल क्या हैं वो समझें, विकास के काम कितने हो रहे हैं ग्राउंड पर ये सुनिश्चित करें। और इसी कड़ी में ये बागपत का दौरा आप देख रहे हैं जसवंत सैनी का। और आने वाले त्योहारों में सतर्कता को लेकर आसमगढ़ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। इसको लेकर जिला पुलिस और रेलवे पुलिस ने एक मॉक ड्रिल भी कर ली है, जिसमें देखा गया कि आपातकालीन स्थिति होने पर क्या किया जाए। इसमें फायर ब्रिगेड, फॉरेंसिक टीम, जीआरपी पुलिस भी संयुक्त रूप से शामिल रहे। मॉक ड्रिल की गई है, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटना है, किस तरीके की तैयारी महकमे की होनी चाहिए, उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल अहम रही। संयुक्त रूप से ये मॉक ड्रिल थी क्योंकि त्योहारों के वक्त में बहुत ज़रूरत पड़ती है इस तरीके की सतर्कता की, इस तरीके की तैयारियों की। और इसी कड़ी में ये जो मॉक ड्रिल है, फायर ब्रिगेड, फॉरेंसिक टीम, जीआरपी टीम, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, ये मॉक ड्रिल की गई।